अपने गार्डन फ्रेंड्स को वैगीज होम किचन गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। आज की मेरी वीडियो ग्लैडियोलस कॉर्म्स को या बल्ब्स को है, अगले नेक्स्ट विंटर सीजन के लिए किस तरह आपने सेव करना है, जहाँ से उस हवाले से है। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, इस वक्त जो ग्लैडियोलस के जो बल्ब्स है जहाँ सा है, इस वक्त जहाँ सा अब कुछ जहाँ सा इनकी जो पोजिशन इस तरह है कि ये पीले पीले से हो गए हैं, या मैंने यहाँ से कटिंग भी कर दी हुई थी जहाँ सा है। इससे पहले आपने मेरी ग्लैडियोलस के हवाले से दो वीडियोस देखी होंगी, एक नवंबर में जहाँ उसके एंड में जब मैं ग्लैडियोलस के बल्ब्स लगाए, इसमें अपने गार्डन फ्रेंड्स को कुछ टिप्स वगैरह बताए थे। और उसके बाद जहाँ सा जनवरी में आपने देखी होगी, जिसमें खूबसूरत प्यारे से जहाँ सा है ग्लैडियोलस के फूल खिलते नजर आए। मार्च का जहाँ सा है ये आखिरी जहाँ सा है ये हफ्ता चल रहा है, मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है, और इनको जहाँ सा इन बल्ब्स को जहाँ सा है गमले में जहाँ सा है इस पर लगे हुए मैंने निकाले नहीं। अगर आप उसी पर निकालेंगे तो बल्ब्स आपके छोटे रह जाएंगे, बनेंगे नीचे बेबी कॉर्न्स भी नहीं बनेंगे। तो कोशिश करें कि तकरीबन डेढ़ दो महीने बाद अब इनको लगे हुए इसके अंदर जहाँ सा बल्ब्स को जहाँ सा दो महीने हो गए हुए हैं, और आज मैं इन बल्ब्स को निकाल के आगे महफूज करूँगा जहाँ सा है, ताकि अगले सीज़न के लिए जहाँ सा दोबारा यही बल्ब्स मैं लगाऊँ जहाँ सा है। और जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, इस वक्त देख रहे हैं आप, मैंने कंटेनर से जहाँ सा बल्ब्स निकाले हुए हैं जहाँ सा है। इस जहाँ सा है अगर तो आपके जहाँ सा है सॉइल गीली है, ठीक है, तो आप इसको जहाँ सा बल्ब्स निकालने के बाद दो या तीन दिन तक जहाँ सा है फुल सनलाइट में रखें, ताकि ये आपके जो 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 कॉर्म्स हैं खुद अच्छी तरह ड्राई आउट हो जाएं। अब क्योंकि मैंने पानी तो नहीं दिया हुआ था, मेरे जहाँ सा ये चीज़ें ये अभी जो कॉर्म्स हैं आप देखें बिल्कुल ड्राई हैं, लेकिन अभी अब कहना क्या है कि इसमें ये बल्ब्स हैं जहाँ से ये मेन बल्ब्स है, और ये नीचे नीचे आपको बेबी कॉर्म्स छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ है जहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये अभी ये जहाँ से थोड़ी सी अभी नीचे से आपने यहाँ से है, यहाँ से एक इंच के जहाँ सा है यहाँ से नज़र आ रही है, यहाँ से एक इंच के पे यहाँ से यहाँ कटिंग करनी है, और फिर इसको जहाँ सा है चार पाँच दिन के लिए जहाँ सा किसी अंडर शेड के नीचे रख देना है। जी मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त आप ये देख रहे हैं जो ग्लैडियोलस का बल्ब है, यहाँ से अब जो कॉर्म्स को जहाँ सा एक इंच के फासले पे यहाँ से मैं ऐसे ये ऐसे कट करूँगा, और ये कुछ इस तरह की बल्ब की है। अब जो ये जो जहाँ सा है आप इसे अंडर शेड के रखेंगे, इसी तरह जितने भी बाकी बल्ब्स हैं बाकी क्योंकि मैं सबसे मैं ऊपर से एक एक फासले पर कटिंग करूँगा। गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, पाँच दिन अंडर शेड रखने के बाद जहाँ सा तमाम के तमाम जहाँ सा ग्लैडियोलस के बल्ब जो मेन स्किन सी ड्राई आउट हो गई हुई है, ये मेन स्टेम थी इसका भी कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गई हुई है, और ये जहाँ सा है ये भी प्रॉपर ड्राई आउट हो गए हैं। अब ये जो नीचे बेस है, ये जो नीचे जो पुरानी कॉम सी जिसपे बल्ब निकले हुए थे, इसको हमने ट्विस्ट करके ज़रा उतारना है, और उसको बल्ब को जहाँ सा अगले सीजन के लिए हमने स्टोर करना है। कुछ इस तरह उतारेंगे हम, ये ऐसे करें ट्विस्ट करके हमने इसको ये हमने यहाँ से इसे ये उसको उठा के फेंक देना है, और बाकी जो बहुत सा बल्ब को अच्छी तरह ही साफ करके जहाँ सा है, और इसको हम स्टोर करेंगे अगले सीज़न के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए। इस तरह दूसरे बल्ब्स को भी हमने करना है ग्रेजुअली, इनको सेपरेट करना है अगले सीज़न के लिए, एक डब्बे में डाल के रखेंगे स्टोर करेंगे, साथ में थोड़ा सा ये डीटिंग पाउडर भी डाल देंगे, ताकि इसमें जहाँ सा अगले सीज़न के लिए ये महफूज रहें। और उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। काली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, आसम नवाज फ्रॉम वैगीज होम किचन गार्डन।